हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम टीचर सरिता। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रामर टॉपिक इंग्लिश में, दैट इज़ नाउन, जो बिगनर्स के लिए और बाकी जिनको भी और डिटेल में समझना है। तो स्टार्टिंग से हम लोग नाउन पढ़ेंगे, जो हर एक उसमें स्टार्ट होता है ग्रामर में। फर्स्ट वी हैव टू स्टडी नाउन, सो लेट्स स्टार्ट विथ ए नाउन टॉपिक। फर्स्ट डेफिनेशन इज़ देयर। ए नाउन इज़ ए वर्ड दैट रिप्रेजेंट ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। या नाउन क्या होता है? जो एक वर्ड है जो रिप्रेजेंट, जो बताता है पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया जो है, उसको नाउन बोलते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है। उसके वेरियस टाइप्स है, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नाउन, लेट डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज ए कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन डेफिनेशन, जनरल नाउन दैट रिफर्स टू ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। जो कॉमन नाउन है जो पर्सन, प्लेस और थिंग को रिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टीचर, टीचर कोई भी हो सकता है, सिटी, सिटी कोई भी सिटी हो सकता है, नेम नहीं दिया गया, बस सिटी ऐसा दिया गया है। बुक, कोई भी बुक हो सकती है आपकी। और बॉय, कोई भी लड़के का नेम हो सकता है, बॉय, गर्ल, ऐसे सब कॉमन होता है। सेकंड क्या है? प्रॉपर नाउन, वो स्पेसिफिक चीज़ का नाम, जो अभी हमने कॉमन का पढ़ा था उसका स्पेसिफिक चीज़ का नाम। स्पेसिफिक नेम ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग, जो मैंने आपको ऊपर बताया, जैसे कि मैरी, अभी वो लड़की का नाम है मैरी, राम, बॉय का नाम है तो राम, देन प्लेस है, सिटी है लंदन, नाम दे रखा है। फिर एफिन टावर, टीचर का है तो जोसेफ टीचर, ऐसे कोई नाम, पर्टिकुलर नाम कर रहा है उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। अभी है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट आपको पता ना, कॉन्क्रीट मजबूत, आपको नेम से पता चल रहा है, कॉन्क्रीट बिल्डिंग, मजबूत। फिजिकल ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी सीन और टच, जो आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो आपको दिखाई देता है, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन। जैसे टेबल, टेबल भी एक नाउन है, टेबल बोलते हैं, जो आप छू सकते हो, महसूस करते हो। और हार्ड है, डॉग है, डॉग भी एक है जिसको छू सकते हो आप, यानी कि महसूस कर सकते हो, फ्लावर पॉट, ये सब। तो ये एग्जांपल है। अभी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या है? रिफर टू कॉन्सेप्ट, आइडिया और फीलिंग, जो आप फील कर सकते हो, जिसको छू नहीं सकते, कॉन्सेप्ट है वो, है जैसे सैडनेस, लव, फ्रीडम, तो ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट, जिसको आप फील कर सकते हो, इमोशंस वगैरह। नाउ उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद है मटीरियल नाउन। मटीरियल मतलब कुछ चीज़ें, जो मटीरियल है, कोई वस्तु है, चीज़ें, विच कैन फेल्ट और टच, स्पेशली मटीरियल, यानी कि मटीरियल होना चाहिए किसी चीज़ से। जैसे मटीरियल है आपका, किसी चीज़ से बनता है वो मटीरियल है। इसके टू टाइप है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। मटीरियल में काउंटेबल मतलब जो आप काउंट कर सकते हो, वो है मटीरियल, जैसे कि ब्रिक। ब्रिक आप रखेंगे तो आप काउंट कर सकते हो, स्टोन, स्टोन को भी काउंट कर सकते हो, पेपर, पेंसिल, पेन, ये सब काउंट कर सकते हो। और मटेरियल में भी अनकाउंटेबल नाउन, जिससे आप काउंटलेस है, स्टार्स, हेयर, फिर आपका एयर, वाटर, दीज आर काउंटलेस, जो हमको, हम उसको, हम लोग काउंट, मतलब अनकाउंटेबल, जो काउंटलेस है, जो हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो ये मटेरियल में आता है, ये चीज़ें हैं, मटेरियल है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स क्या होता है? कलेक्शन, कलेक्शन से पता चल रहा है, ग्रुप, कलेक्शन, रिफर टू ग्रुप और कलेक्शन। कोई ग्रुप है आपका, झुंड है, ग्रुप है, जैसे कि क्राउड, किस पीपल लोगों का क्राउड है, तो क्राउड स्पेसिफिक आएगा तो वो नाउन ही है, तो वो आपका कलेक्टिव नाउन है। क्लस्टर्स और स्टार्स, स्टार्स का एक बहुत है तो उसे क्लस्टर्स बोलते हैं। और बंच ऑफ ग्रेप, ग्रेप्स का गुच्छे को, गुच्छा मतलब बंच। फिर पैक ऑफ वुल्फ, वुल्फ, बहुत सारे वुल्फ एक साथ आ रहे हैं, पैक, उसे बोलते हैं पैक ऑफ वुल्फ। कार्ड्स को बोलते हैं, जो आप खेलते हैं कार्ड्स को, वो है पैक ऑफ कार्ड्स। तो जो ग्रुप में हम कलेक्शन करते हैं उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। और भी छोटे छोटे नाउन्स हैं जो टाइप्स हैं, पर ये है मेन नाउन। इसके अंदर के जो वो टाइप्स हैं वो आपको मैं बाद में बताऊंगी। तो दिस इज़ द मेन दिस नाउन्स। तो आपके मेन जो नाउन है यही है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया, कुछ डाउट है, तो आप यू कैन राइट मी इन कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, तो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, जो ब्रेस नोटिफिकेशन छोटा सा है उसको आप प्रेस करके रखोगे तो मेरे अपकमिंग वीडियोस यू विल गेट। एंड आप न्यू हैं या कुछ हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और स्टडी वेल, ऐसे ही मैं अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँगी और ये बहुत ईजी वे में आपको समझाऊँगी। थैंक यू एंड टेक केयर।